हेलो व्यूअर्स, आपका एके सिंह ब्लॉग्स में स्वागत है। आज आप लोगों को मैं अपने गांव के जगह बाबा मंदिर के दर्शन कराऊंगा। ये बहुत ही प्राचीन पोखरा है। बना ले वजह कुल तो ले हमको तो बाद में कह दी दोस्तों। बजरंगबली के मंदिर के ठीक सामने ही श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। आइए हम उनके दर्शन कराते हैं। पति का अधिकार पति में आई है आपकी जय श्री राम। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हमारा नाम मुरलीधर मिश्र पुजारी जगाब्रह्म। यह मंदिर जगाब्रह्म स्थान से प्रसिद्ध है। यह बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत जागता मंदिर है। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। जो शुद्ध मन से यहाँ शीर झुकाता है और अपनी इच्छा व्यक्त करता है, ब्रह्म बाबा उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और यहाँ जो है शुक्र और सोमवार को भीड़ लगती है श्रद्धालुओं की, तथा पूजा आदि सब कार्य होते हैं, मुंडन और अन्नप्राशन। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और बहुत पुराना मंदिर है ये। हमारे बाप दादा के होश का भी नहीं है कब का है। और यहाँ शंकर जी का मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, हनुमान जी का है, शनि देव हैं, सती देवी हैं।
और प्राचीन पोखरा भी है और यह हरदासीपुर से प्रसिद्ध है। अभी यहाँ सरकारी कार्य की कोई योजनाएं यहाँ लागू नहीं हुई हैं। आते तो बहुत लोग हैं, सब जो है वोट लेने से पहले आते हैं MLA MP और कहते हैं कि हम यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, और जीत जाने के बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता। कहने पर कहते हैं हाँ हो जाएगा बाबा जी, अभी आज तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ का देख रेख, यहाँ का रख रखाव, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ के मानिंदे लोगों से है, और यहाँ का खर्च भी जो है मानिंदे लोगों से चलता है। यहाँ ये आरी पड़ोस के जितने भी पास पड़ोस के लोग हैं सब श्रद्धा भक्त, ब्रश अपना कुछ न कुछ ले आ करके देते हैं, इसी से इसकी जीविका चलती है।